Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't shining. इसी तरीके से हमें भी अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, एंड फॉर दैट वी हैव टू स्टडी राइट नाउ. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टडिंग वेल. सो हाइड्रेशन इज मस्ट. जैसे जैसे विंटर आ रही है तो हम पानी को अवॉइड करते हैं, एंड इसलिए मैंने बोतल रखी है अपने सामने सो दैट मैं पानी पी सकूँ जब भी मुझे याद आए. एंड मैं कर रही हूँ अपने फिजिक्स में थर्मल एक्सपेंशन का रिविजन नोट्स का, एंड ये मेरा सेकेंड स्टडी सेशन है. अच्छा, तो ये मैं थर्मल एक्सपेंशन क्यों कर रही हूँ, मैं कौन सा बैच अपना फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो यकीन टू में हूँ एंड उसमें तो हमारा ग्रेविटेशन चल रहा है. सो यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे. सो दैट मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, मैंने आप लोगों से बोला था कि माई टारगेट इज़ टू कम्प्लीट माई सिलेबस बिफोर दिस ईयर एंड होने से पहले. सो इसलिए मैं अपने खुद से भी सिलेबस कर रही हूँ लास्ट ईयर के नोट्स से. सो इसलिए मैं थर्मल एक्सपेंशन का रिविजन कर रही हूँ. आई होप आप लोग इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अगर मेरी वीडियो अच्छे से देखेंगे और मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे. एंड ऑल्सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पॉजिटिव कमेंट. जिस तरीके से आप अप्रिशिएट करते हैं सच में मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एंड मुझे थोड़ा सा और एनर्जी मिलती है कि मैं और स्टडी ब्लॉग बना सकूं. सो अब मैं कर रही हूँ अपने पी वाई क्यूज केमिस्ट्री के, एंड आई होप आप लोग भी टारगेट अपना अचीव कर रहे होंगे अच्छे से. एंड आई प्रे टू गॉड कि जिसकी लाइफ में जो भी इशूज़ आए हैं, हेल्थ इशूज़ या फैमिली इशूज़, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएँ एंड अच्छे से आप अपनी स्टडी पे फोकस करें. एंड ये मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे कॉमेंट में भी काफ़ी मतलब फील हुआ कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट की हेल्थ इस वक्त ख़राब चल रही है. एंड नॉर्मली मेल्स भी मुझे आ जाते हैं जिस तरीके से जब ज़्यादा तबीयत खराब होती है आप फोकस नहीं कर पाते तो मुझसे शेयर करते हैं. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ आप इस तरीके से शेयर करते हैं मुझसे. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम इश्यूज़ की वजह से मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ मेल का. सो आप उसका ना बुरा मत माना करो, मतलब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेल्स का भी रिप्लाई करूँ, कमेंट का भी रिप्लाई करूँ. तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर से मिल जाएगा, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, बट डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी. बट उसकी वजह से आप ना इस तरीके से फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो, एंड इसलिए मैंने ये प्रे भी की थी कि आप लोग जल्दी से ठीक हो जाएं. और मुझे आप लोगों से काफ़ी कुछ शेयर भी करना है, उसके साथ आप लोगों की हेल्प भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से उसका रिप्लाई करना. एंड अब मैं कर रही हूँ अपने फिज़िक्स के पी वाई क्यू सॉल्व, और ये बेसिकली जो हमारा चैलेंज चल रहा है उसी के उसका मैं टारगेट कम्प्लीट कर रही हूँ, जो 50 क्वेश्चन हमें ईच सब्जेक्ट करने हैं. तो सबसे पहले मुझे आप लोगों की जो हेल्प चाहिए या फिर आप लोगों की थोड़ी एडवाइस चाहिए कि अब हम कौन सा चैलेंज अपना इन्वॉल्व करें इस चीज़ में. लाइक हमारा 4 AM स्टडी जो चैलेंज है वो चल रहा है, उसके साथ 50 क्वेश्चन ई सब्जेक्ट चल रहे हैं. तो इससे अदर हम कौन सा चैलेंज इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड 6 hour सेल्फ स्टडी भी हमारा इसके अंदर चल रहा है. सो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं अपने जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बट स्टडी से रिलेटेड ही बताना सो दैट हमारा वो नीट में हेल्प कर सके. क्योंकि राइट नाउ हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि नीट को कैसे क्लियर करना है, उससे अलग और कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए. लाइक अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि सिंपल सा पॉइंट है कि कभी कभी मुझे भी लगता है कि क्या सेम चीज़ शूट करना, कि वो 3-4 बुक जिनको सॉल्व करना एंड उन्हीं को शूट करना, बोर सा फील होता है कि लगता है कि सामने वाला भी इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा. फिर मैं सोचती हूँ कि यार नीट का एग्जाम है, स्टडी ब्लॉग में नीट के बना रही हूँ तो इससे अलग मैं क्या दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ भी इसी तरीके से चल रही है इन 3-4 बुक के साथ. डेली उठना, उसके साथ ये पढ़ना, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, लेक्चर देखना एंड देन सो जाना, सब चीज़ चल रही है. तो मैंने सोचा कि चलो भाई जो चीज़ है वही तो दिखाई जाएगी. तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगी कि मुझे अगर चैलेंज बताएं तो ऐसे ही बताना जो हमारी स्टडी में हेल्प करें. वो देखो पीक टाइम है, और मुझे जैसे आप लोगों के कमेंट में सबसे ज़्यादा जो इशू लगता है वो ये लगता है कि आपको फिजिक्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे. एंड मैंने कमेंट में ट्राई भी किया था एक्सप्लेन करने का, बट मुझे लगता है कि कमेंट में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया. सो मैं यहाँ पर आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, जिनके स्पेशली फिजिक्स में नंबर्स नहीं आते हैं, 100 से नीचे ही रहते हैं, तो आप सबसे पहले तो जो भी चैप्टर्स हैं उनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करो, उनको लर्न करो. सेकेंड आपको क्या करना है कि जो आपके टीचर ने क्लास में जो क्वेश्चंस कराए ना उनको प्रैक्टिस करो. थर्ड पॉइंट पे आपको जो पी वाई क्यूज हैं उसकी बुक के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं. ये तीन चीज़ आप अच्छे से करो, एंड उसके बाद फोर्थ क्या करना है, जब आपने करे उसके बाद आपके जो गलत हुए उस चीज़ को देखना है कि आपके क्यों गलत हुए. ठीक है, ये 4 स्टेप आपने कर लिए, फिर उसके बाद आपको 5th स्टेप ये करना है, दोबारा से इनको बिना देखे और बिना मिस्टेक किए सॉल्व करना है. आपने अगर ये स्टेप फॉलो कर लिए ना तो टेस्ट में भी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, एंड उसके साथ आपके नीट में भी स्कोर अच्छा आएगा. क्योंकि पता ही क्या होता है, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत
जरूरत होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ना कि क्या लगाना है क्या नहीं। एंड इसीलिए ना आपके ना टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते, क्योंकि आप सीधा जाकर उसी दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आई एडवाइज यू कि आप पहले उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो इसके बाद ज़रूर से आपका स्कोर बढ़ेगा। एंड ये है मेरी सारी डीपीपीज जो मुझे सॉल्व करनी है। लास्ट 2-3 डेज से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क था जो मुझे कंप्लीट करना था अपना टारगेट, सो इसलिए मेरी ये डीपीज थोड़ा पेंडिंग में हो गई। एंड आई फील कि मुझे ये डेली कर लेनी चाहिए थी। देखो अब कितना सारे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन हाँ ये मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा और पेंडिंग हो वर्क। एंड यहाँ पर जो है मफिन, उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो बीच में ऐसे ही आ जाती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके यहाँ पर भी कोई पैट है तो मुझे ज़रूर से एक चीज़ बताना कि मफिन का एक पता क्या इशू हो रहा है, वो मेरे हैंड से ही खाना खाती है, उससे अलग अपनी बाउल से उसने खाना छोड़ दिया है। तो आप मुझे एडवाइस करो कि उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ अगर आपके पैट है तो। एंड हाँ, आप लोगों ने मुझे बोला था कि हमें बताएं कि किस तरीके से हमें प्रिंट आउट निकालना है PDF का, तो ये भी जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ रहेंगी ना, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर आप लोगों से शेयर कर दूँगी, क्योंकि व्लॉग में उसको इंक्लूड मैं नहीं कर पा रही हूँ, उससे स्टडी व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जैसे ये PDF का कैसे निकालना है या और भी अलग चीज़ ना, मैं दूसरे चैनल पे छोटी छोटी वीडियोस डेली या फिर जैसे भी मुझे आप लोगों की हेल्प करनी होगी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगी। एंड जो वो दूसरा चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस चैनल से अलग ही चीज़ मिलेंगी, लाइक स्टडी व्लॉग नहीं मिलेंगे, बस इन्फॉर्मेशन के लिए। जब मुझे आप लोगों की हेल्प करनी होगी या आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो उससे रिगार्डिंग कुछ भी छोटी वीडियो होगी वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी, एंड ये बायोलॉजी के नोट्स का रिवीजन टाइम है मेरा। तो उसके साथ ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। सो दिस बुक इज़ यूनिक टू मास्टर द होल NCERT फोनेट, एंड द न्यू फीचर जो इसके अंदर है वो NCERT लोकेटर। इट विल हाईलाइट द NCERT पेज कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन लिया है। And also full NCERT is converted into one line format, which is the best thing, and with lot of tips and tricks are given, जिसकी वजह से आपका ये biology और interesting हो जाएगा। And it cover more than 600 practice questions, PYQs भी है इसके अंदर, exemplar भी है, trend analysis भी है to master the biology। इसके अंदर सब चीज़ इंक्लूड है, अगर आप इसको लेते हैं उससे अलग आपको कोई बुक लेने की नीड नहीं पड़ेगी। ऑल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड विद 100% सॉल्यूशन, एंड द लास्ट थिंग इज मोर देन 80% क्वेश्चंस इन नीट 2022 वर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक। सो आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और तीनों बुक का आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी यहाँ पर कॉफ़ी विद अपनी बायोलॉजी के साथ, क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था एंड मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड सा फील कर रही थी। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और आप लोग मुझसे एक बात पूछ रहे थे कि दीदी जो सर हमारे नोट्स कराते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बट आपके इतने से क्यों होते हैं? तो देखो उसमें सर पूरी NCERT को भी कन्वर्ट कराते हैं, आप लोगों को वो समझ नहीं आता होगा, बट मुझे इसलिए समझ आता है क्योंकि मैंने खुद अपनी पूरी NCERT ईच एंड एवरी लाइन खुद से अपने नोट्स में कन्वर्ट की थी। तो जो सर वो NCERT वाली चीज़ कराते हैं ना, मैं उसको नोट डाउन नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे नोट्स में है। जो चीज़ मुझे लगती है कि ये नहीं है नोट्स में, तो मैं उसको अपने इसके अंदर नोट डाउन कर लेती हूँ NCERT में। एंड लास्ट वीडियो में मैंने ये वाली बात बोल दी थी कि हाँ जो चीज़ आउट ऑफ NCERT होगी मैं उस पर भी फोकस करूँगी। मेरा मीन्स वो नहीं था कि मैं अदर चीज़ भी उठा रही हूँ बायोलॉजी के लिए, वो नहीं था मेरा मतलब। मेरा पॉइंट ये था कि जो सर कराते हैं ना चीज़ें, तो मैं उसको थोड़ा लाइटली ले रही थी कि NCERT की सीधी लाइन्स आएंगी तो मैं उसी पर फोकस करूँ, थोड़ा घूम के आएंगी तो उस पर मैं घूम जा रही थी। तो मेरा पॉइंट ये था, ये नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कर रही हूँ। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं मिसगाइड नहीं करना चाहती स्पेशली बायोलॉजी के लिए। तो सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी केमिस्ट्री के लेक्चर, और देखो फिजिकल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो अब आप लोगों को फिजिकल को डिवीजन में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कब छुमंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखो हमारा एग्जाम जुलाई में हुआ और अब हमारा नवंबर भी एंड होने वाला है, तो टाइम इज़ रनिंग सो फास्ट, तो आपको भी उसी की स्पीड की तरह आप पढ़ना चाहिए। सो यहाँ मैं नोट डाउन कर रही हूँ अपने केमिस्ट्री के पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि हाँ ये मेरे नोट्स में नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने सर से ही पढ़ा है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं नोट डाउन नहीं करती, इसलिए मेरे नोट्स थोड़े शॉर्ट होते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने लेक्चर लेती हूँ। जैसे ये फिजिक्स का लेक्चर है, पहला पॉइंट तो मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सर से पढ़ चुकी हूँ तो सारी चीज़ मेरे नोट डाउन है। देन दूसरी चीज़ ये होती है कि मुझे लगता है ना कि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है नोट से लास्ट ईयर वाले से, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, एंड जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड ये लेक्चर वाला पॉइंट दिखाने का रीज़न भी यही था, सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि मैं पूरा लेक्चर नहीं देखती हूँ या फिर मैं सारी चीज़ नोट डाउन नहीं करती हूँ।
एंड यहाँ पर मैं ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सर से ऑलरेडी पढ़ी हूँ, तो सर ने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था ना, तो वही सब चीज़ें हैं। एंड मुझे आप लोगों से ये बताना था कि जो दूसरा चैनल है ना, मैं उस पर ये सोच रही हूँ कि आप लोगों से मॉर्निंग में जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके बाद मैं छोटी सी क्लिप शेयर करूँ या टारगेट शेयर करूँ। आप मुझे कमेंट पर बताना ये आइडिया कैसा है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। बाय एवरीवन।